पीएम मोदी के कदम रखते ही दुनिया देखेगी भारत की ताकत। अयोध्या में लैंड करने वाली है पीएम मोदी की सबसे बड़ी ताकत। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम भक्त देखेंगे आसमानी ताकत। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। वनवास से लौटे प्रभु राम के आगमन पर अयोध्या में जैसी रौनक थी, वही रौनक आज की अयोध्या में साफ देखी जा सकती है। या फिर यूं कहें कि 5 अगस्त 2020 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव क्या रखी, अयोध्या नगरी की तस्वीर बदल कर रख दी। हर घड़ी, हर समय, हर दिन अयोध्या खूबसूरत होती जा रही है और अब तो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो चुका है। जी हाँ, आपके कानों ने ठीक सुना, राम मंदिर के अलावा अयोध्या में जिस चीज की कमी हमेशा खलती थी, अब वो कमी भी पूरी हो चुकी है, क्योंकि 224 करोड़ की लागत से बन रहा श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग तैयार हो चुका है। 3 चरणों में तैयार होने वाले इस एयरपोर्ट का पहला फेज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और जिसके उद्घाटन के लिए अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पधार रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व जैसे ही पीएम मोदी प्रभु राम की नगरी में कदम रखेंगे, दुनिया को अयोध्या से आसमानी ताकत देखने को मिलेगी। और जिस विमान से देखे पीएम मोदी अयोध्या में लैंड करेंगे, उसकी ताकत के आगे दुनिया के शक्तिशाली देश बोने नजर आते हैं। श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिखेगी आसमानी ताकत। अयोध्या में होंगे बोइंग 737NG एयरक्राफ्ट के दर्शन। अयोध्या में लैंड करेगी भारत की सबसे बड़ी ताकत। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अयोध्या में मौजूद अवध यूनिवर्सिटी और अवध यूनिवर्सिटी के पास का रनवे कभी एक छोटी सी हवाई पट्टी हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील हो चुका है। जी हाँ, और अब इस एयरपोर्ट पर जो पहला विमान उतर रहा है वो भारतीय वायुसेना की आन बान शान है। जी हाँ, नाम है बोइंग 737NG एयरक्राफ्ट और इसी विमान से देखिए 30 दिसंबर के दिन पीएम मोदी अयोध्या आएंगे। बोइंग 737NG की ताकत ऐसी है कि 871 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और अधिकतम 41,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। आलम यह है कि एक बार में तकरीबन 5,000 किलोमीटर उड़ान भर सकता है। बोइंग 737NG एयरक्राफ्ट आज का नेक्स्ट जनरेशन है, यानी कि अगली पीढ़ी का विमान। इसमें देखिए एक साथ 220 लोग बैठ सकते हैं। 138.2 फीट लंबे इस विमान की ऊंचाई 412 फीट है और एक बार में करीब 30,000 लीटर फ्यूल ये पी लेता है। तो एयरक्राफ्ट इतना विराट है कि इसे टेक ऑफ के लिए 3 किलोमीटर का रनवे चाहिए होता है। दुनिया के लिए देखिए बोइंग 737NG एयरक्राफ्ट VVIP विमान है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए इस विमान से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ही उड़ान भरते हैं और अगर किसी अन्य मंत्री या फिर अधिकारी को इसकी जरूरत है तो उसे रक्षा मंत्री से इजाजत लेनी पड़ती है। जो मंत्री या अधिकारी इस विमान से उड़ान भर सकते हैं वो आप रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा राज्य मंत्री, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष, डिफेंस सेक्रेटरी, कैबिनेट मंत्री, जी हां, रक्षा संगठन से जुड़े हुए सैन्य और अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। तो बोइंग 737NG देश का सबसे पहला नेक्स्ट जनरेशन वाला विमान है जिसमें बैठकर पीएम मोदी अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। तो आसमानी ताकत अयोध्या की पावन धरा को छुएगी और जिस पर दुनिया की निगाहें अभी से गढ़ चुकी है।